नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे सुपरस्टार सलमान खान की भारत फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे हॉलीवुड की हालिया रिलीज फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के 2 दिन के इंडियन कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 के 8 दिन के कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह के 15 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्म स्पाइडर फार फ्रॉम होम के बारे में। तो दोस्तों एवेंजर एंड गेम के बाद मार्वल फैन के लिए एक बड़ी फिल्म फिर से रिलीज हो चुकी है और फिल्म का नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। दोस्तों एवेंजर एंड गेम ने इंडियन बॉक्स ऑफिस हो या वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस हो सभी दूर काफी अच्छा कलेक्शन किया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों अब स्पाइडरमैन रिलीज हुई है और उसे भी मार्वल फैंस की तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो कई अच्छे कारोबार किए किए, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म धूम मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें स्पाइडरमैन फिल्म को इंडिया में 4 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। पहला तो है हिंदी, वही दूसरा तमिल, तेलुगु और इंग्लिश। दोस्तों फिल्म को चारों लैंग्वेज में जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है और फिल्म ने तीनों चारों लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे कलेक्शन भी किए हैं। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1600 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वही दोस्तों इस फिल्म के इंडियन थिएट्रिकल राइट्स बिके थे सिर्फ 40 करोड़ में, यानी कि फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए 55 से 60 करोड़ का कारोबार करना था। वही अगर बात करें फिल्म के 2 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन में कमाए लगभग 12 करोड़ 55 लाख रुपये, वही तमिल, तेलुगु और इंग्लिश वर्जन में कमाए हैं 5 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन चारों लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया लगभग 17 करोड़ 55 लाख रुपए का। वही दोस्तों बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की तो फिल्म को दूसरे दिन के कलेक्शन में और भी ज़्यादा अच्छा उछाल देखने को मिल रहा और फिल्म दूसरे दिन हिंदी वर्जन में कलेक्शन कर रही है लगभग 14 करोड़ रुपये, वही तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में कमा रही है 6 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों स्पाइडरमैन का जो सेकेंड डे कलेक्शन होता है इंडिया में वो हो रहा है 20 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो 2 दिन का टोटल कलेक्शन होता है वो हिंदी वर्जन में हो चुका है 26 करोड़ 55 लाख रुपए। वही बात करें ऑल इंडिया कलेक्शन की, यानी कि तमिल, तेलुगु और हिंदी मिला के, तो दोस्तों फिल्म ने चारों लैंग्वेज में अपने 2 दिनों में टोटल ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में कर लिया है 37 करोड़ 50 लाख रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और लग रहा है कि यह फिल्म इंडिया में कम से कम 100 करोड़ का आंकड़ा तो आराम से पार करके सुपर डुपर हिट हो जाएगी। वही दोस्तों बात करें भारत फिल्म के 30 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों भारत फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्ते पूरे कर लिए और फिल्म ने 4 हफ्तों में काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया है। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है सलमान खान और कैटरीना कैफ। दोस्तों अली अब्बास जफर और सलमान खान की जोड़ी की यह 3री फिल्म है। इससे पहले सलमान खान और अली अब्बास जफर की जोड़ी ने टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। अगर बात करें भारत के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों भारत फिल्म को इंडियन मार्केट में 4700 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग लेते ही अपने पहले दिन लगभग 42 करोड़ 30 लाख रुपये का कारोबार किया था। वही दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट वीक के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 180 करोड़ 5 लाख रुपए। बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की तो दोस्तों भारत फिल्म ने दूसरे हफ्ते में कमाए थे लगभग 25 करोड़ 51 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों तीसरे हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर एक नई फिल्म ने दस्तक दे दी थी और उस फिल्म का नाम था कबीर सिंह, और कबीर सिंह के तूफान में कहीं ना कहीं भारत फिल्म के कलेक्शन एकदम कम हो गए और भारत फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते में सिर्फ 6 करोड़ का ही कारोबार कर पाई थी। वही दोस्तों बात करें भारत के चौथे हफ्ते के
कलेक्शन की, तो भारत फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे लगभग 2,50,00,000 रुपए की। इसी के साथ दोस्तों भारत फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 213 करोड़ रुपए। वही बात करें इस फिल्म के इंडियन ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 251 करोड़ रुपए। और बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों भारत फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 323 करोड़ रुपए। अब आपको बता दूं दोस्तों फिल्म का बजट 165 करोड़ रुपए के आसपास का था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 323 करोड़ का कारोबार किया है, यानी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है। तो दोस्तों आर्टिकल 15 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में काफ़ी अच्छा कारोबार कर गई है और फिल्म दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी काफ़ी बढ़िया कारोबार कर रही है। जी हां दोस्तों, आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने और फिल्म का बजट है लगभग 36 करोड़ रुपये और फिल्म को इंडियन मार्केट में अपने पहले हफ्ते में लगभग 1400 से 1500 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों अब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता चालू हो चुका है और दूसरे हफ्ते में कई नई फिल्में रिलीज हो गई, जिसकी वजह से आर्टिकल 15 के जो स्क्रीन काउंट है वो थोड़ी कम हो गई। जी हां दोस्तों, जहां ये फिल्म पहले हफ्ते में 1400 से 1500 स्क्रीन में चल रही थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के पास सिर्फ 900 स्क्रीन बची है। लेकिन दोस्तों 900 स्क्रीन में भी फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफ़ी ठीक ठाक है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें आर्टिकल 15 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 5,20,00,000 रुपए, दूसरे दिन कमाए थे 7,25,00,000 रुपए, तीसरे दिन कमाए थे 7,77,00,000 रुपए, चौथे दिन कमाए थे 3,97,00,000 रुपए, वही पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन था 3,67,00,000 रुपए। बात करें छठे दिन की, तो फिल्म ने छठे दिन कमाए थे 3,50,00,000 रुपए, वही सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 3 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 15 ने अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया था 34,16,00,000 का। वही बात करें दोस्तों फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन की, तो आठवें दिन भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी मिल रही है और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आर्टिकल 15 अपने आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 2,50,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 15 का जो 8 दिन का कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 36,66,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन। वही अगर बात करें इंडियन ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 44 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 10 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 54 करोड़ यानी 54 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई है। वही दोस्तों अगर बात करें कबीर सिंह फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों कबीर सिंह फिल्म को रिलीज किया गया था 21 जून को, अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म को स्क्रीन मिली थी लगभग 3,123, लेकिन दोस्तों फिल्म को दूसरे हफ्ते में स्क्रीन बच गई थी सिर्फ 2,200 और अब फिल्म का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और फिल्म के पास तीसरे हफ्ते में मात्र 2,800 स्क्रीन बची है। लेकिन दोस्तों इतनी कम स्क्रीन होने के बाद भी कबीर सिंह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई कर रही। अगर बात करें कबीर सिंह फिल्म के डे वाइज कलेक्शन की, तो दोस्तों कबीर सिंह फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 20,21,00,000 रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 134,42,00,000 रुपए। वही बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों दूसरे हफ्ते में कबीर सिंह फिल्म ने 8वें दिन कमाए थे 12,21,00,000 रुपए, 9वें दिन कमाए थे 17,10,00,000 रुपए, 10वें दिन फिल्म ने कमाए थे 17,84,00,000 रुपए, 11वें दिन कमाए थे 9,07,00,000 रुपए, वही 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 8,31,00,000 रुपए और 13वें दिन फिल्म ने कमाए थे 7,53,00,000 रुपए और 14वें दिन यानी कि अपने दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे लगभग 6,60,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया लगभग 79 करोड़ यानी 79 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन था 134,42,00,000 रुपए, वही दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 79 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह फिल्म ने अपने शुरुआती 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन कर लिया 213 करोड़ रुपए।
वही दोस्तों, अब अगर बात करें 15वें दिन के कलेक्शन की, 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 6 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों कबीर सिंह फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 219 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 219 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है 15 दिनों में। अब देखते हैं दोस्तों, ये फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का जो लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड है 240 करोड़ रुपए, उसे तोड़ कर क्या इस साल की नंबर वन फिल्म बन पाती है या नहीं। तो दोस्तों, जहां नेट कलेक्शन 219 करोड़ रुपए हुआ है, वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो कबीर सिंह फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 260 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 286 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300 करोड़ के आंकड़े के लगभग करीब आ चुकी है। और आने वाले 3 से 4 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन भी कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखना यही है कि क्या यह फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड तोड़ पाने में कामयाब होगी या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कबीर सिंह फिल्म विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड तोड़ के 2019 की नंबर वन फिल्म बनेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड और साउथ की ऐसी नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।